एंड द रिकॉर्डिंग हैज बिगन। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ दिस माइनक्राफ्ट गेम प्ले। ठीक है, इसमें हम लोग नॉलेज की बातें करेंगे, साइंस की बातें करेंगे, एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, प्लस गेम प्ले करेंगे। लास्ट बार हम लोगों ने एक विलेज ढूंढा था, तो लास्ट बार जो विलेज ढूंढा था उसमें हम लोग मतलब अपना स्पॉन पॉइंट यहाँ पर सेट कर लिए थे, उसके बाद से हम लोग आगे नहीं गए थे। ठीक है, एक मिनट को चेक करते हैं कि रिकॉर्डिंग आ रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि आधा घंटा रिकॉर्ड करो पता चले कि रिकॉर्डिंग ही नहीं आ रही है। ओके, सो यार रिकॉर्डिंग इज ऑन काइंड ऑफ। और लास्ट बार जो हम सोचे थे यहाँ पे कुछ ऐसा बेस बनाने के लिए, लेकिन देखा जाएगा कहाँ बनाया जाएगा। एक्चुअली मैं, पता है मेरे को थोड़ा सा व्यू चाहिए होता था, मेरे को थोड़ा सा वो फॉरेस्ट टाइप का चाहिए होता था, मतलब कि जो टाइगर बायोम है उस तरीके का कुछ चाहिए होता। इतना प्लेन में कुछ मतलब बहुत मज़ा नहीं आता है। या तो बहुत ऊपर हम बनाना चाहते हैं बेस अपना, या फिर पानी के नीचे बहुत बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना बेस बना, नॉर्मल मेरा कुछ कुछ खास ऐसा मूड है नहीं। चलो देखते हैं यहाँ पे आयरन गोलम है कि नहीं। आयरन गोलम रहेगा तो उससे हम लोग आयरन ले लेंगे, ठीक, क्योंकि आयरन का जरूरत पड़ेगा शील्ड बनाने के लिए। ओह, रात होने वाली है क्या? तो चलो पहले सो ही लेते हैं, क्योंकि ऐसे सोने ऐसे जगने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, कुछ हम लोग मॉब फॉर्म जैसा तो कुछ बनाना नहीं है, हालांकि अभी तक आयरन गोलम हम लोग को दिखा नहीं है भाई, सो थोड़ा सा अजीब लगता है। और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या है तुम्हारा? जैसे -15, -2 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट थे, है ना? एक्स कोऑर्डिनेट और माइनस, एक्स कोऑर्डिनेट था -15 और जेड कोऑर्डिनेट था -2। ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट है 1 और ये तुम्हारा -x होएगा। चलो ठीक है, या हम लोग यहाँ पे तो आ तो गए हैं। अब आगे का काम क्या करना है कि यहाँ पे कुछ बेसिस बनाने हैं। मेरे को इसे वैसे कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे बनाया जाए कि आगे चल के कहीं और बनाया जाए। ठीक है, वैसे ये सुबह हो गया है, सुबह पता होता है, सुबह जब होता है तो यहाँ पे जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं सन से जो निकलती हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होती है। ठीक है, अपने हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि लोग सुबह में गोबर से लिपते हैं, ठीक है, सुबह में गोबर से लिपते हैं घर को, ठीक, तो अल्ट्रा वायलेट रेज एब्जॉर्ब कर लेता है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो होते हैं ना वो कैंसर कॉजिंग होते हैं। कहाँ गए सन? ये जो सन है ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सन से ऑल रेडिएशन, मतलब रेडिएशन समझ लो कि एक तरीके का लाइट समझ लो, ठीक, जो लाइट होता है हम लोगों का विजुअल लाइट होती है वो रेड से लेकर के विब्योर होता है ना, तो वायलेट से लेकर रेड तक जाती है। ठीक है, वेवलेंथ चेंज होती है। ये साइंस के स्टूडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि जो हिंदू धर्म में सुबह गोबर से लिपा जाता है ना उसके पीछे एक साइंटिफिक कोई कारण है, कोई विज्ञान का कोई एक कारण है। ऐसे नहीं कि कई सारी चीज़ों में कारण होता है, कई सारी चीज़ों में कारण नहीं होता है, इसमें कारण है यूवी रेज के लिए। उसके बाद से फिर जैसे कि हम लोग कोई चीज़ गर्म करते हैं, ठीक है, जो गर्म चीज़ गर्म करने वाली चीज़ें होती हैं उसमें से इंफ्रा रेड रेडिएशन निकलता है। इंफ्रा रेड रेडिएशन हीट कॉजिंग रेडिएशंस होते हैं, ठीक, ओके, और जो हम लोग देखते हैं वो विजुअल रेज होते हैं। ऑफकोर्स वो विजुअल रेज होने के कारण वो हम लोग को दिखाई देते हैं, लेकिन ये ऐसा मत समझना कि जो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं वही चीज़ें सारे जानवर देख लेंगे। जैसे कि सांप है, सांप को ये क्लियर कट दिखाई, सांप को रंग नहीं दिखाई देता है, सांप उस तरीके से आकार को नहीं देखता है, सेब को नहीं देखता है जैसे कि हम लोग देखते हैं। ठीक है, सांप गर्मी देखता है, ठीक, इसलिए सांप देखना रात को जनरली शिकार पर निकलते हैं। वह इंफ्रारेड रेडिएशन सेंस नहीं कर पाता है, और कोई भी गर्म चीज़ से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगा। हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर है करीब 36.5 या समथिंग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक, तो हम लोग गर्म हैं, तो गर्म चीज़ों से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है, और वही कारण है कि हम लोग उस चीज़ों को सेंस कर पाते हैं। ठीक है, तो सांप की जो विजन होती है, सांप आँखों से नहीं अपने फन से सूंघते हैं, ठीक, तो उनका विजन इस तरीके से काम करता है। कई कई सारे जानवर का अलग अलग विजन होता है, जैसे कि आप समझ लो जैसे बकरी है, बकरी का अगर जो पुतली देखोगे तो बकरी का पुतली बहुत ही चौड़ी होती है, चौड़ी होने के कारण उनका फील्ड ऑफ विजन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। बकरी का फील्ड ऑफ व्यू बकरी का बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा करने से ना उनका ना ये होता है, क्या कहते हैं वो लोग, मतलब चौड़ाई तक देख सकते हैं। इस तरीके से बकरियां बची रहेंगी, अगर जो उन पर कोई अटैक करेगा, कुछ प्रेडेटर अगर जो अटैक करेगा तो बची रहेंगी। हम लोग को उतना वाइड विजन नहीं होता है, हम लोग को उतना खतरा नहीं होता जितना बकरियों का खतरा होता है। वो लोग चरते हुए अगर जो देख ले आसपास तभी उनकी सिक्योरिटी बनी रहती है। तो अपना जो मदर नेचर है ना, जो कुदरत है ना, कई चीज़ों को ऐसे ऐसे तरीके से बनाया है ना कि आप अगर जो पढ़ोगे देखोगे समझोगे ना तो बहुत ही अचंभित हो जाओगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर मेरा ऐसा कुछ प्लान है कि हम यहाँ पर एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा हिली बायोम चाहिए था, समझे, हिली बायोम बोले तो मेरे को थोड़ा सा वो चाहिए था कि थोड़ा सा लंबे लंबे वो हो, क्या कहते हैं, बेसिस हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को यहाँ पे। तो हम शायद रीस्टार्ट कर सकते हैं, क्यों, आई थिंक आई शुड रीस्टार्ट। यहाँ पे अच्छी व्यूज नहीं है, मतलब थोड़े से बड़े व्यूज बने ना तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक, तो चलो कोई बात नहीं, इसको रीस्टार्ट कर देते हैं।
अगली बार जब हम लोग वो करेंगे ना तो उसको हम लोग बड़े एम्पलीफाइड वर्ड्स को क्रिएट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा व्यूज भी जरूरी होता है। और वो एक मिनट को मोर वर्ल्ड ऑप्शंस में जाएंगे, वर्ल्ड टाइप डिफॉल्ट से लार्ज बायोम एम्पलीफाइड करते हैं, ठीक। जस्ट फॉर रिक्वायर्स अ बीफी कंप्यूटर, वेल लेट्स सी कि कितना मेरा कंप्यूटर बीफी है। सिंगल बायोम डिफॉल्ट सुपर फ्लैट नहीं, लार्ज बायोम नहीं, एम्पलीफाइड करते हैं, ठीक। एम्पलीफाइड में ज़्यादा मजा आएगा मे बी। डिफिकल्टी नॉर्मल, चलो हार्ड कर देते हैं फिलहाल के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर जो अगला बेस बनाएंगे तो मेरा इसमें टारगेट है या तो पानी के नीचे बनाने का, या तो स्पेस में बनाने का, या तो कुछ ऐसा मतलब कुछ सीनरी बनाए जैसे कि कुछ ऐसा देखने में कुछ लगे, ठीक है। बाद में इसमें विदर को हराएंगे, हमने जावा में शायद विदर को कभी भी लीगली नहीं हराया है, मतलब कि क्रिएटिव मोड में आकर के हमने हराया है, ऐसा कुछ लीगली नहीं हराया है। चलो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, 22, -13, चलो ठीक है। वो वाला वर्ल्ड में कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था, सही बताया तो इसमें पता है बहुत ही एकदम ऐसा आगे पीछे ऊपर नीचे बनेगा, तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहती हैं। सो या लेट्स गो, लकड़ी मिले पहले, लकड़ी मिलेगा तो उसके बाद से फिर थोड़ा सा बेसिक टूल्स बनाएंगे, बेसिक टूल्स बनाने के बाद से फिर हम लोग वहाँ पे वो करेंगे, क्या कहते हैं, जैसे ये ब्रीदिंग कर रहा है ना, तो ब्रीदिंग में आप एक चीज़ देखना कि एक मिनट को कितना FPS आ रहा है वैसे मेरा, मेरा FPS 190 FPS आ रहा, ठीक है काम चल जाएगा। थोड़ा मैं 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा है तो इसमें कुछ ऐसा, अभी मेरे को थोड़ा सर्दी हुआ है और थोड़ा सा मूड थोड़ा सैड है, लेकिन वीडियो जब हम कोशिश करेंगे डेली अपलोड करने के लिए, कुछ दिन तक डेली अपलोड करेंगे। लास्ट वीडियो जो अपलोड किए थे उसमें रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली और सब वीडियो से अच्छा आया था, तो लगे रहो पता नहीं फ्यूचर क्या होल्ड करता, हमें नहीं पता, हमको तो यही नहीं पता कि हम रात को क्या होगा, रात को क्या खाने वाले हैं। सुबह से होते हैं कुछ, शाम को होता है कुछ, अरे जॉम्बी का आवाज आ रहा है। सुबह से होते हैं कुछ, शाम को होता है कुछ, हम लोग को पता है एक फॉल्स सेंस होता है कि लाइफ हम लोग कंट्रोल में है, पता नहीं कब क्या कुछ हो जाए, कैसे किसी को कुछ नहीं पता, ठीक। सो या हम उतना टेंशन नहीं लेने वाले फिलहाल के लिए। एक मिनट रुको, मेरा माइक ऑन है कि नहीं है, माइक को चेक करते हैं हम लोग, माइक मेरा ऑन है, मेरा माइक है, आई थिंक द माइक इज ऑन, ठीक। पता है बार बार इसको OBS में जाने से ना मेरे को डर लगता है ना कि कहीं वो मतलब वो क्रैश नहीं कर जाए, ठीक। ओके तो आ जाओ बेटा, हम लोग ये बनाते हैं और ये करके, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो बेस हम लोग बनाएंगे, हम सोच रहे बेस कोई ऐसा इंटरेस्टिंग जगह पर बनाएंगे, यहाँ स्केलेटन का इतना है आवाज़ आ रहा है, कितना सारा स्केलेटन का। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि अभी थोड़ा सा मेरा चेहरे पे दिख ही रहा होगा, कायदे से मतलब उतना हैप्पीनेस नहीं है, लेकिन उतना हैप्पीनेस को नहीं होने का मतलब ये नहीं कि हम दुखी होकर बैठ के रोने लगे, ठीक है, चलती का नाम जिंदगी है। अच्छा एक शेर याद आ गया, ठीक है, एक शेर बोले, चलो बोलते हैं, ठीक है। वो शेर इस प्रकार है कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। तो हाँ चीज़ें हैं थोड़ी सी तकलीफ़ वाली है, बट इट्स इट डजेंट मैटर, ठीक। कभी खुश भी रहा करें हैं हम, कभी अभी दुखी भी है, फ्यूचर में शायद खुश भी रहेंगे, आई डोंट नो कैसे लाइफ चल रहा है, बट जो भी हो यार चलती का नाम जिंदगी है, ठीक है, बस सीधी बात यही है। तो उतना टेंशन मेरे को नहीं लेना है, थोड़ा सा नींद मेरा डिस्टर्ब हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगली वीडियो में देखना, धीरे धीरे हम बेटर करेंगे, ठीक। आई विल परफॉर्म मोर बेटर इन द अपकमिंग वीडियोज एंड ऑल दैट। और हम इससे पहले भी एक चैनल बना चुके थे, मेरे को पता है ना कि ये ऐसे भी लकड़ी काटते हो क्या, ठीक है। इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं, ऐसा नहीं कि मेरे लिए फर्स्ट टाइम वीडियो बनाना है, लेकिन बात वही है कि फिर चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव करती है, ठीक। हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग जो किए थे हम, जो इससे पहले जो वीडियो एडिट किए थे उसमें भी मतलब ठीक ठाक व्यू आया था, मतलब कि इससे पहले जो कल को छोड़ के जो इससे पहले वाले वीडियो था ना उस पर मतलब व्यू ठीक ठाक आया था, मेरे लिए तो एटलीस्ट अच्छा ही था। अरे देखो बात करते करते ना हम नहीं कर पाते हैं, बात करते करते करना मेरे लिए मुश्किल है इसको करना, क्योंकि यहाँ पे भी ध्यान देना है और वहाँ पे भी ध्यान देना है, प्लस कुछ बोलते भी रहना, कुछ इंटरेस्टिंग बोलते रहना है। सो या इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट, बट आई विल गो ऑन, ठीक है। बहुत सारी वीडियो बहुत अरे हमने देखा है कई कई लोग बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं तब जाके चीज़ें थोड़ी सी बेटर होती हैं।
तो या इट्स फाइन, आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ फाइन। ठीक है, गिर गया, लकड़ी गिर गया। कोयला चाहिए था हम लोगों को, कोयला कहाँ मिलेगा, कोयला यहाँ है नहीं। एक्चुअली पता है अभी हम लोग सफ़र के लिए निकलेंगे और हम लोग चाहेंगे कि यार बोट बना ही लिया ना, चलो ठीक है, हम लोग चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कोई विलेज विलेज में ना ये हो, ठीक, विलेज विलेज में ये कुछ मिले, वहीं पर हम लोग बेस बनाएंगे। अरे यहाँ कोल मिल गया, ठीक है। तो हाँ, कोल से याद आया, कोल, कोयला, कोयला चार तरीके के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये मतलब बेसिकली कोई भी आठवीं नवीं क्लास के बच्चे को पता होना चाहिए कि कोयला कितने तरीके होते हैं। कोल जो बनते हैं हम लोगों का काफ़ी समय से, जो लोग पता नहीं मिलियंस ऑफ ईयर है कि हंड्रेड सम मिलियंस ऑफ ईयर, हमको नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है कि कोयला जो होते हैं, पहले के जो डायनासोर थे वो ज़मीन के नीचे दब करके गर्मी, कॉन्स्टेंट गर्मी के प्रेजेंस में फॉसिल फ्यूल बन गए। फॉसिल फ्यूल मतलब कि जैसे कि तुम्हारा क्रूड ऑयल, ठीक है, जैसे कि पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ वो। और जो पेड़ हुए वो सब दबोब करके ये बन गए, क्या कहते हैं, कोयला बन गए, ठीक है। तो कोयला के चार प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला जो होता है बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, और वर्स्ट क्वालिटी का कोयला होता है लिग्नाइट, क्योंकि लिग्नाइट कोयले जो होते हैं ना, वो उनको काफ़ी टाइम नहीं हुआ है कंपैरेटिवली, ज़मीन के नीचे दबे हुए, तो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पाती है, ठीक। आपको पता है कि अपने यहाँ इंडिया में कोयला का, एक मिनट रुकिए, हाँ, अपने यहाँ इंडिया में कोयला का मतलब कि मेजर प्रोडक्शन साइट्स में झारखंड आता है और वेस्ट बंगाल के अराउंड आता है, ठीक है। हालांकि हम जानते हैं कि और कई जगह भी वहाँ पे कोयला प्रोडक्शन होता है, लेकिन मतलब कोल कैपिटल ऑफ इंडिया को धनबाद कहा जाता है, ठीक है। धनबाद भारत की कोयला राजधानी है, ठीक है। इससे पहले हम मतलब धनबाद में रहते थे, तो धनबाद में जैसे क्या है कि देखो, कोयला की एफिशिएंसी होती है 40%। एक चीज़ याद रखना कि जो कोल पावर प्लांट्स होते हैं उनमें जो 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 हीट प्रोडक्शन होती है स्टीम के लिए, देखो कोयला से बिजली कैसे बनती है बताते हैं। कोयला को गर्म किया जाता है, कोयला को गर्म करने से कोयला जलने लगा, कोयला गर्म जलने से कोयला क्या होता है कि पानी को भाप बना देता है, स्टीम इंजन की तरह ही है, बस खाली स्टीम इंजन में इस बार हम लोग वो यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं, ठीक है। तो कोयला क्या करता है कि पानी को भाप बना देता है। भाप का एक प्रॉपर्टी होती है कि भाप कोई भी चीज़ को ना पुश करती है। जो स्टीम इंजन पहली बार बनी थी वो भी इसी प्रॉपर्टी पे बनी हुई थी, और एक बहुत ही जेम्स वॉट शायद उनका नाम था, मेरे को उतना क्लियर याद नहीं आ रहा। हम यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देंगे कि स्टीम इंजन की खोज किसने करी थी। तो कोयला का जो है ना कि एक मिनट को, हाँ, कोयला बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, अपने यहाँ पे जनरली बिटुमिनस से ही काम किया जाता है, लेकिन एंथ्रासाइट कोयला का बहुत मांग है। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोयला होता है, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोयला होने के कारण एंथ्रासाइट के पता है वो होता है क्या कहते हैं, एक मिनट को, हाँ, एंथ्रासाइट धुआँ कम और आँच ज़्यादा देता है, ठीक है, और पीट धुआँ ज़्यादा देता है और आँच कम देता है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग, एक मिनट को, कोयला का यूज़ करते हैं। कोयला में अच्छी चीज़ ये है ना कि कोयला तो हर रेडीली अवेलेबल है, लेकिन कोयला पे हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते। कोयला एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि कोयला, हमने सुना कि कुछ 100 साल के आसपास, 100-120 साल के अराउंड के बाद से कोयला ख़त्म हो जाएगा, कोयला का यूज़ खत्म हो जाएगा। इसलिए अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि वाटर, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जैसे कि बांध से पानी बनाना, जो डैम से पानी बनाना, या फिर सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, ये सब चीज़ें पे सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि कोयला तुम्हारा उतना अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। सोचो ना, आप 10 किलो कोयला लाते हो, आप 10 किलो कोयला में से 6 किलो कोयला का जो पैसा है ना बर्बाद हो जाता है, सिर्फ 4 किलो कोयला का पैसा मिलता है। तो या कोयला इज़ नॉट अ गुड थिंग, कोयला हम लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते। सोचो ना, कल को एलियंस आएंगे और देखेंगे तो बोलेंगे कि ये लोग अभी भी कोयला पे डिपेंडेंट है, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है। तो कोयला पे हम लोगों की वो क्या बोलते हैं, निर्भरता कम करनी होगी, कोयला छोड़ करके हम लोगों को आके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि देखो सुगर केन हुआ, सुगर केन से हम लोग इथेनॉल बना सकते हैं। इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5OH। इथेनॉल को लोग एल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल मतलब दारू है, तो दारू से ईंधन बनाई जा सकती है, दारू गाड़ी में भरी जाती, पता है। अपने माननीय नितिन गडकरी जी हैं जो अभी करंटली ट्रैफिक रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, एज फार एज आई नो, ठीक है,
उन्होंने इस चीज़ में बहुत बढ़ावा दिया। वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट हिम कि वो लोग जो नितिन गडकरी जी है ना, वो मतलब कि एक तरीके के रिवोल्यूशनरी आदमी है, ठीक है। उन्होंने देश में कितने सारे हाईवेज बनाए, कितने सारे मेगा प्रोजेक्ट्स को देख रेख करी, विच इज़ रियली काइंड ऑफ लाइक अपना देश आगे बढ़ रहा है, पता है। अपना देश में मतलब मेन चीज़ ये होनी होती है ना, अपना देश में मेन चीज़ ये है ना कि हम लोग ना अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। इन द सेंस हम लोगों का असली अगर जो कंपैरिजन है तो वो पाकिस्तान नहीं है, हम लोग का असली अगर जो तुलना है तो वो है चाइना है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, ठीक है। तो हम लोगों को उससे तुलना करना पड़ेगा, ना कि पाकिस्तान। अपने से नीचे से तुलना नहीं करनी चाहिए, तब तो इस हिसाब से तुम आगे बढ़ गए हमेशा खुश रहोगे खाने के लिए नून रोटी है, फिर बोलेगा कि अरे नहीं उनके यहाँ तो चूल्हा ही नहीं जला। नहीं, ये तरीका सही नहीं है, हमेशा आगे बढ़ा जाता है। लगता है कि हम कहीं गलती तो नहीं करती है ओके आई थिंक कि अरे अभी तक अरे यार हम लोग को वो नहीं मिला, क्या कहते हैं हम लोगों को वो नहीं मिला, क्या कहते हैं सी पोल नहीं मिला। एक्चुअली हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, यहाँ से निकल करके कुछ चलते हैं कहीं वहाँ पे, क्या कहते हैं कूदे हाँ ठीक है। तो हाँ, तो हम ये बोले थे कि कोयला पे हम लोग को डिपेंडेंसी छोड़नी होगी और हम लोगों को और आगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसमें मतलब कि उतना वो नहीं होता, क्या कहते हैं पोल्यूशन नहीं होता, उस पर आगे आना होगा, ठीक है। लेकिन ये बात मत समझना कि हम लोग अगर जो कोयला को छोड़ दिए तो मतलब कि हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग चीज़ों में अपने सिविलाइजेशन मतलब मानव की सभ्यता में बहुत ज़्यादा बदलाव ले आए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि बहुत ही अच्छा, हाँ मतलब मेरे पास बताने के लिए साइंस की इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि मतलब कि मन करता है कि नॉन स्टॉप बात करते रहे ठीक है। अब यही बात हो गई कि जब हम लोग की ह्यूमन सिविलाइजेशन होती है, ये कितना आगे आई है, इसका एक मेजर होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग करदासेव स्किल, ठीक है। करदासेव स्किल बताता है कि जो अपनी सभ्यता है, अपनी मानव सभ्यता है, ये हम लोग ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स मतलब कि टाइमलाइन जो होती है इंसानों की, जब हम लोग छोटे से सेल्स थे, वहाँ से लेके हम लोग इतने आगे हम लोग में इतना वो हुआ, क्या कहते हैं बदलाव हुआ, हम लोग इतना आगे बढ़े, वो हम लोग किस लेवल पे आते हैं, ठीक है। तो करदासेव स्किल पे हम लोग करदासेव स्किल ये बताता है कि हम लोग कितना आगे आ गए हैं और हम लोग कितना आगे और आ सकते हैं, ठीक है। तो करदासेव स्केल में तीन टाइप्स होते हैं, टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री। बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है। टाइप वन मतलब होता है कि हम लोग अपने इस धरती का सारा तरीके का जो ऊर्जा होती है उसका इस्तेमाल कर सके, जैसे सौर ऊर्जा और क्या बोलते हैं पानी वाला ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से सोलर पावर जो है, उसके बाद से विंड पावर, जियो थर्मल पावर, ये सब जो पावर्स होती है हम लोग ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं सौर ऊर्जा में नहीं, इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता है करदासेव स्केल, और हम लोग इस स्केल पे 0.7 लेवल पे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर जो हम लोग 1 लेवल हो जाएंगे तो हम लोग टाइप 1 सिविलाइजेशन कंप्लीट करके टाइप 2 सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक ओके। टाइप 1 सिविलाइजेशन कंप्लीट करके टाइप 2 सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे अगर जो हम लोग ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लिए तो। दूसरा चीज़ होता है कि करदासेव स्केल टू ये बताता है कि हम लोग अपने सोलर सिस्टम, जो हम लोगों का सौरमंडल है, ठीक है, एक मिनट रुको, ये जम भी मरो ना यार तुम। हाँ, हम लोग को जो सौरमंडल है, सौरमंडल में जो सन होता है, सन का इस्तेमाल करना, अगर जो हम लोग सन से सारी एनर्जी निकलने वाले और प्लैनेट्स में जितनी भी एनर्जी उनको अगर जो हम लोग इस्तेमाल कर सके तो हम लोग आएंगे करदासेव स्केल टू पे, ठीक है। ये करदासेव स्केल थ्री ये बताता है कि हम लोग सोलर सिस्टम से भी निकल करके स्पेस में, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में, ठीक है, सारे तरीके की जो एनर्जीज हैं उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा करदासेव स्केल थ्री पे। करदासेव स्केल थ्री पता नहीं कब होगा उस लेवल तक पहुँचने में बहुत ही मतलब टाइम लगने वाला है, ठीक। तो फिलहाल के लिए हम लोग करदासेव स्केल में अभी भी हम लोगों के पास, पता है हम लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग अपने में ही लड़ते रहते हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होगा, अमीर गरीब में भेदभाव होगा, लोग भूल जाते हैं ना कि हम लोग एक ही, हम लोग तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम लंबे हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम कुछ भी हो, तुम्हारा दिल, सब लोगों का दिल एक जैसा है, सब लोगों का किडनी एक जैसा है, सब लोगों का शरीर एक जैसा है, सब लोगों का सब कुछ, बहुत सारा चीज़, ब्लड ग्रुप हम लोगों का वही खून है, वही शरीर है, लेकिन लड़ते रहते हैं लोग अपने में ही। जो पैसे साइंस की तरफ लगाया जा सकता था, नई नई बीमारियों का खोज की तरफ लगाया जा सकता था, वो सब पैसे वो लोग मिसाइल में लगा रहे हैं, डिफेंस में लगा रहे हैं। अब देखो डिफेंड करोगे नहीं देश को तो देश बर्बाद हो जाएगा, तो मजबूरन हम लोग को डिफेंड करना पड़ रहा है। लेकिन डिफेंड करने का जरूरत क्यों पड़ा, डिफेंड करने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग अपने में ही लड़ रहे हैं, ठीक है।
बॉर्डर के उस पार वालों को लगता है कि हम लोग दुश्मन हैं, हम लोगों को लगता है कि वो लोग मतलब है भी, कंपेरेटिवली देखा जाए तो है ही, हम अपने देश का पक्ष कुछ ऐसा ब्लाइंडली नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन बात यही है ठीक। तो लोग अपने में ही लड़ रहे हैं, अपने में ही दुश्मनी है, और ऐसे ऐसे तो फिर बढ़ चुका आगे ठीक है। हम लोगों का दुश्मन पता है, हम लोगों का दुश्मन ये इंसान नहीं है ठीक है, हम लोगों का दुश्मन कोरोना है, हम लोगों का दुश्मन भुखमरी है, हम लोगों का दुश्मन एलियंस हैं ठीक है। आप लोगों को पता नहीं है लेकिन एलियन के बारे में बहुत लंबी चीज बातचीत चलेगी, एलियंस मेरा फेवरेट टॉपिक्स है, लेकिन एलियन हम वन ऑफ द माई फेवरेट टॉपिक है एलियन, लेकिन एलियन के बारे में अभी फिलहाल के लिए बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि एलियन बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक्स है, इतना लंबा चौड़ा टॉपिक पर बात करने का कोई बहुत ज़्यादा सेंस है नहीं फिलहाल के लिए, लेकिन इतना आप जान लोगे करदा से स्केल में आगे बढ़ने के लिए ना हम लोगों को एक मिलजुल करके बात करना पड़ेगा। एक साइंटिस्ट का देख लेना आप पगार क्या है, और एक देख लो कोई एक्ट्रेस का क्या पगार है, तो आपको भी सोच के लगेगा कि यार जो लोग आपके माँ का जान बचाया है, जिन्होंने इतना मेहनत करी, उनका उतना पगार नहीं। और इस तरीके ये देखो यार, इंटेलिजेंट एंचेंटेड गोल्डन एप्पल, वाओ नाउ वी सही, वाओ ये अच्छा है यार। नेदर में चला जाए क्या? नेदर में चले जाने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन बहुत रेयरली मिलता है एंचेंटेड गोल्डन एप्पल, वाओ ठीक है भैया। इसको यूज नहीं करेंगे ठीक। ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 ये पहन लो, अरे वाह मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा लूट मिल गया, क्यों कर सब, अरे यार अभी इसको हटा नहीं सकते, अरे माय गॉड ये हमने नोटिस नहीं करी थी यार, अब जब तक हम मरेंगे नहीं ना तब तक ये सलाह जाएगा नहीं, या फिर ये इसका खत्म ना हो जाए ड्यूरेबिलिटी। आए कोई बात नहीं, मेरे को डर नहीं लगता उतना, इतना ही डरने होते तो काम कैसे करते। तो हम ये बता रहे थे कि करता सेव स्किल में अगर जो आपको आगे बढ़ना होगा ना, तो हम लोग को मिलजुल करके आगे बढ़ना होगा, हिंदू मुस्लिम और ये सब बकैती से दूर हटना होगा, और समझना पड़ेगा अभी तो कोरोना आ गया था भाई, कोरोना हिंदू को भी हुआ, कोरोना मुस्लिम को भी हुआ, बीमार वो भी पड़े, बीमार हम भी पड़े, चीज़ें ऐसी भी थी, चीज़ें वैसी भी थी ठीक है। तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि ऐसे काम नहीं चलेगा ठीक है। एक मिनट को यार, पहले हम लोग अपना डायरेक्शन देख लेते हैं कि हम लोग कौन से डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग अभी 2-8 पॉजिटिव एक्स, चलो एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग गोल गोल घूमते रहेंगे और बातचीत चलती रहेगी ठीक है। हम लोग इस गेम में टारगेट है रखिए, हम लोग पता है इसमें रैंडमली जो मन आया सो बात करेंगे, मेरे पास नॉलेज की बातें हैं शेयर करने की तो मैं वो तो करूँगा ही, प्लस लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, प्लस गेम प्ले करेंगे। इट्स माई चैनल, इट्स माई रूल्स, इट्स अप टू मी व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट आई डोंट वांट टू डू, बट या फीडबैक इज ऑल्सो अप्रिसिएटेड, अगर जो कोई फीडबैक है तो देते रहिएगा। कोशिश करेंगे कि रेगुलरली अपलोड करें वीडियोज, देखा जाएगा कि कैसा पॉसिबल है, फिलहाल के लिए जितना हमको टाइम मिलता है उतना में हम कोशिश तो करते ही हैं, और देखते हैं कितना टाइम हो चुका है, क्योंकि कितना टाइम हो गया भाई मेरे 20-22 मिनट हो गया ठीक है। और आज अभी तक हम लोगों ने कुछ मतलब वो नहीं किया, क्या कहते हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं करी, कुछ मतलब वो नहीं मिला है हम लोगों को, कुछ विलेज फैलाना दिखाना नहीं मिला। चलो अब हम लोग एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, टुवार्ड्स नेगेटिव जेड ठीक है। अब इधर से हम लोग मतलब मुड़ेंगे नहीं ठीक। हमको इस बात का बहुत दुख होता है ना कि लोग ना मतलब कि किसी के पास इतना पैसा है यार कि लोग मतलब कोई लोग महंगा से महंगा चीज़ खरीद रहे हैं, पैसे का कोई वैल्यू ही नहीं है, और किसी के पास इतना पैसा ही नहीं है कि जा करके मतलब आज का पेट भर सके ठीक है। कितना मतलब कि डिस्पैरिटी है अमीर और गरीब में ठीक है। हालांकि ये बात भी सही है कि जो अमीर हैं वो कुछ करके अमीर बने हैं, हालांकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। जो गरीब है वो कुछ हालात के कारण गरीब रहते हैं, कुछ लोग अपने आदत के कारण गरीब रहते हैं, जैसे अभी हम ही हैं, अगर जो हम पढ़ाई लिखाई ना करें, माँ बाप पढ़ने के लिए बोले और हम पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कुछ बकवास करें, तो कल मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, हम किसी काम के नहीं होंगे, तो इस तरीके से हम गरीब ही रहेंगे ना। लेकिन फिर बात ये भी सही है यार कि कई लोगों को मौका ही नहीं मिलता कुछ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जो जेन्युइनली गरीब है ना उनका हेल्प करना चाहिए उन लोगों को, जो लोग वास्तव में गरीब हैं, किस्मत ने उन पर ज़्यादा रहम नहीं दिखाया, उनके साथ कुछ हेल्प करना चाहिए। इसी कारण पता है मेरे को बच्चों के लिए ना यार पता है यहाँ दिक्कत होता है ठीक, यहाँ इसको जाना यार तुम, अरे हमको लगा था डेथ हो जाएगा हम लोग किधर जा रहे थे, टुवार्ड्स नेगेटिव जेड, टुवार्ड्स नेगेटिव
मैंने देखी कुछ ऐसा वो भी तन के लिए, पर तो नहीं है। टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड, टुवर्ड्स नेगेटिव जेड, इधर है यार। अरे यार मेरे को समझ नहीं, गोल गोल घूम रहे हैं यहाँ पे, मतलब फंसे हुए हैं। ओके इधर चला जाए क्या, टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड इधर है। ठीक है तो टुवर्ड्स नेगेटिव जेड चलते हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि इस एपिसोड में हम लोग वो ढूंढ लिया जाएगा, क्या कहते हैं, कुछ विलेज विलेज ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन विलेज विलेज मिला नहीं है। तो हम लोग का सर्च कंटिन्यू होगा। और हम बताया मेरा मेन मोटिव है ना कि हम वो करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, अरे यार इधर से आ रहे, उधर से जा रहे, इधर से आ रहे, उधर से जा रहे, यही पूरा सीरीज भर चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलो एटलीस्ट हम लोगों ने बेसिक कुछ थोड़ा बहुत बना लिया है और आगे चल के। पता है एक अजीब बात यह है कि हमको कहीं आयरन दिख नहीं रहा। आयरन पता है या तो बहुत गहराई, मतलब कि गहराई में आयरन मिलता है या फिर ऊंचाई पर आयरन मिलता है, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि अरे गए 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 यार, हमको निकले दो। पता है उसने मेरा बूट मार दिया वो। देखो देख रहा, अरे बाप रे उसने मार दिया, मेरा बूट चला गया साले बेकार फालतू। आई कर रहे हैं साले। अरे यार तुम आओ ना मेरे पेट में आओ, तुम वहाँ क्या धरती पे रखे क्या करोगे। ठीक है ओके, मैं छोड़ नहीं मारेगा उसको, कहाँ चला जाए यार। अब पता है वो कुछ जंगल जैसे ढूंढ रहे। ठीक है चलो, हो सकता है कि अगले एपिसोड में हम लोग कोई जंगल वंगल ढूंढे। तो फिलहाल के लिए आई थिंक वी आर डन इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।